અંકલેશના વડોદરા ગામની સીમમાંથી રેલવેના કોન્ટ્રાક્ટરોના 23 લાખ રૂપિયાનો સામાન ભંગાર ચોરો ચોરી ગયા હોવાની ફરિયાદ પોલીસ ચોપડે દાખલ થઈ છે. અંકલેશ્વર પોલીસ મથકમાં નોંધાયેલી ફરિયાદ અનુસાર કોઈક અજાણ્યા ઈસમો વડોદરાની સીમમાં રેલવે લાઇનમાં નાખવા માટે ચાલતા કામ ઉપરથી વિવિધ કંપનીઓના રૂપિયા 12,11,000 નો મુદ્દા માલની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા હતા. બનાવની મળતી વિગતો અનુસાર હાલ અંકલેશ્વરમાં રેલવે લાઇનનું કામ ચાલી રહ્યું છે ત્યારે આ કામની 3-4 જેટલી કંપનીઓનો કોન્ટ્રાક્ટ ચાલે છે, જેમાં આજ રોજ શત્રુઘ્ન કુમાર સાહુ દ્વારા અપાયેલી ફરિયાદમાં ઉપરોક્ત વડોદરા ગામની સીમમાં 3-4 કંપનીઓ દ્વારા રેલવે લાઇન નાખવા માટેના જે કામ ચાલી રહ્યા છે તેમાંથી કેટલી કંપનીનો માલ ચોરી થયો હતો, જેમાંથી 23,17,449 રૂપિયાનો કોઈક ઈસમો ચોરી કરી સામાન લઈ ગયા હોવાની ફરિયાદ આપતા પોલીસે તપાસના ચક્ર ગતિમાન કર્યા છે. મેં વિદિતા ડેવલપર્સ કંપનીમાં કામ કરતા હું. ये 13 तारीख के नाइट में हम लोग 10 से 11 बजे तक नॉर्मली काम करते ही हैं. 11 बजे के बाद यहाँ पे चोरी हुआ है. कुछ ये वाल में जो भी शटरिंग का सामान लगता है, हमको ब्रिज बनाने के लिए जो भी सामान लगता है, वो हर तरह का लूज मटेरियल इधर हम काम करने के लिए रखे थे, लेकिन सब मटेरियल यहाँ से इस प्लेस से ही चोरी हुआ है. वो तकरीबन 3.5 लाख रुपए का मेरा यहाँ से मटेरियल चोरी हुआ है. और अदर भी ब्रिज वाले हैं, यहाँ पे 4 कॉन्ट्रेक्टर हैं, उनको अलग अलग आप उसको कंसीडर करोगे सर तो कुछ 20 लाख से ऊपर का, मतलब यहाँ पे ये लाइन में 2 किलोमीटर के आसपास में चोरी हो चुका है. यहाँ हमारा कैंप है आगे कुछ 1 किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर पे वहाँ पे हम लोग सलिया को बनाते हैं जो ब्रिज में लगता है, उसका शेप एंड साइज देते हैं. तो वहाँ से भी कुछ कट पीस सलिया जो है वो भी चोरी हुआ है. उसका भी एक एजम्पशन लिए हैं कि सर इतना इतना हुआ होगा ऐसे देख करके कि 2 टन जैसा है तो 1.5 लाख का वो मटेरियल है. कुल मिला के 4.5-5 लाख का यहाँ पे हमारे ब्रिज से चोरी हो चुका है. और दूसरे जो कॉन्ट्रेक्टर हैं उनका जो डाटा मिल रहा है, वो लोग जैसे बता रहे हैं हमको, उसके हिसाब से फिर आप समझो ना 20-25 के बीच का सर कम से कम चोरी हो चुका है. हम लोगों ने अर्जी भी थाने में दायर किया है यहाँ अंकलेश्वर सिटी पुलिस में, तो सर लोग का तो मतलब इन्वेस्टिगेशन जारी है. अब देखिए कि कैसा होता है सर. हम लोग तो यही चाहेंगे कि मतलब इसका जो भी है उसका सॉल्यूशन हो.